बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में और मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि EUBI का ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है। इस बिल्डिंग में मुख्तलिफ दफातर हैं जिनमें बेनिफिट और कंट्रीब्यूशन का भी पूरे मुल्क के जितने दफातर हैं वो यहाँ से कंट्रोल होते हैं। उसके अलावा एजुकेटिंग अथॉरिटी का यहाँ पर ऑफिस है और प्राइमाको जो पूरे पाकिस्तान में EUBI की बिल्डिंगें हैं, EUBI की प्रॉपर्टीज़ हैं, EUBI के जो मॉल्स बन रहे हैं उन सब को कंट्रोल करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए यहाँ पे प्राइमाको का दफ्तर भी मौजूद है। और इस वक्त जो है वो इसका जो सालाना हदफ था वो 55 अरब रुपये था कि इन्होंने सालाना 55 अरब रुपये कंट्रीब्यूशन जमा करना था। लेकिन आप तसव्वुर करें कि इंतहाई कम वसाइल में इस अदारे के अफसरान ने 60 अरब रुपए से ज़ायद का कंट्रीब्यूशन इस साल जमा किया है। यानी कि 55 अरब रुपए जमा करना था और 60 अरब रुपए इन्होंने इस साल जमा किया है। ये इदारा जो है EUBI, ये महाना 4 लाख से ज़ायद पेंशनर को 10,000 रुपए से लेकर 21,000 रुपए तक की पेंशन अदा करता है और 5 अरब रुपए की माना कम से कम ये इदारा जो है वो 4 लाख से ज़ायद पेंशनर को पेंशन अदा करता है। 10,000 से लेकर 21,000 रुपए तक की इनकी पेंशन होती है जो ये इदारा हर माह अपने पेंशनर को देता है। और ये इसके अकब में इस्लामाबाद का ऑफिस है। पूरे मुल्क में इस वक्त इनके इस्लामाबाद में 2 रीजनल ऑफिस हैं, फैसलाबाद में 3 हैं, फिर इसी तरह कराची में 7 रीजनल ऑफिस हैं, बड़े बड़े शहरों में इनके 2 से 3, फैसलाबाद में 3 इनके हैं, लाहौर में 3 इनके रीजनल ऑफिस हैं, इस्लामाबाद में आज इन्होंने एक ऑफिस को रीजनल 2 ऑफिस में उसको तकसीम किया है ताकि उसका बोझ कम किया जा सके। बज़ाहिर तो ये लगता है कि इस्लामाबाद तादाद कम होगी मुलाज़मीन को रजिस्टर्ड करने की, इदारों को रजिस्टर्ड करने की, लेकिन आप तसव्वुर करें कि फैसलाबाद से ज़्यादा जो फैक्ट्रियाँ हैं, कारखाने हैं, यूनिट्स हैं वो इस्लामाबाद में हैं और फैसलाबाद से ज़्यादा जो मुलाज़मीन रजिस्टर्ड हैं वो इस्लामाबाद में हैं। और इस वजह से इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया है, वरना इसको 3 हिस्सों में भी तकसीम किया जा सकता था। फिलहाल वक्त इतना ही। अपने मेज़बान अज़मत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेकबान।